क्या रिश्ता है इस लड़के का अनन्या के साथ, जो एक दूसरे के इतने करीब आते जा रहे हैं। पहले जिनका 36 का आंकड़ा था, आज सगे हुए जा रहे हैं। एक बार दोबारा कोशिश करके देखती हूँ। हो सकता है जिसे अजनबी समझ के नकार रही हूँ वो मेरा मन ही हो। तभी तो अनन्या की लकीरें बार बार उस शिव से टकरा रही हैं। हो सकता है मेरी पहले की योजना किसी और वजह से कामयाब ना हुई हो। सुई वाला तरीका बहुत आसान था मेरे लिए सच जानने का, पर अब मुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। वेलकम टू पांडे एंड डॉटर्स मिष्ठान भंडार। कहिए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? शादी, पार्टी, मुंडन, त्योहार, अरे यहाँ तक कि ब्रेकअप स्पेशल मिठाइयाँ भी मिलती हैं। डॉटर्स मिष्ठान भंडार की जय। टेंशन मत ले अनन्या, अरे तेरा हर सपना सच होगा, हम करेंगे ना। जय भोलेनाथ। आज तो वो खड़ूस ऑफिसर की तारीफ कर दिया हमारे हाथों की मिठाई की। कुछ तो बात है हमारे हाथों में। लेकिन मिस्टर शिव, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले हम। यहां से तो तुम्हें फुटा के रहेंगे हम। समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना बार बार क्यों आ रहा है। एक बात समझ में नहीं आई कि अनन्या और उस चुड़ैल के बीच का कनेक्शन क्या है। उस कनेक्शन की मुझे कड़ी नहीं मिल रही। कुछ तो है जो मेरी नजर के सामने नहीं आ रहा है। मैंने वादा किया है खुद से कि अनन्या को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, और वादा तोड़ना कभी मैंने सीखा नहीं। यार सुनो, ये रखो, ये गहने हैं। ईमानदारी का पान था तो झूठ का बोलते नहीं यार। जितने जितने पैसे मिलेंगे 90% हमारा और 10% तुम लोगों का, ठीक है? चूरन दिख रहे हैं हम तुम्हें। चूरन? क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार, गया तुम्हारे घर की भट्टी में। 50-50 की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि घर में घुसे हम, मारने की मेहनत हमने की, इसलिए हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। अरे घर में कैसे घुसे,
हमने खबर दी तभी ना घूटे। ये तो चट्टी गैंग वाले हैं। ख्याल से हमारा घर का कोई आ रहा है, हटा के भागना, गिनेंगे एक दो तीन, भागो। रुक। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं दादी। देखा कमल, हमारा तारा नहा रही है। देख, जान से ज्यादा हमारे जीवन भर की पूंजी इसने बचा दी। बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक। एक बार फिर मेरा शक यकीन में बदल रहा है। कहीं ये मेरा मन ही तो नहीं? और इस बार मैं वही करूंगी जिसका नाकामयाब होना नामुमकिन है। अब तो मैं हर हाल में ये साबित करके रहूंगी कि शिव ही मन है। इसे तो गहरी नींद में सुला दिया मैंने। अब अपना नया प्रयोग करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मन का सच साबित करने के लिए मुझे वो चीज चाहिए जो खास क्रिया करने के बाद ही हासिल होगी। हाँ माँ, इन चड्डीधारी चोरों का कोई भरोसा नहीं है भैया। और क्या पता बाहर घूम रहे हो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अम्मा जी, इतना बड़ा ताला क्यों? घर हमारा, दरवाजा हमारा, ताला हमारा, हमारी मर्जी। कल तो हम जंजीर भी बांधने वाले हैं। शिव गहने तो ले आया, लेकिन इन चड्डीधारी चोरों का क्या पता बाहर घूम रहे हो, दोबारा लूटने आ जाएं। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अम्मा जी, चाबी दे देती तो अच्छा होता। सुबह सुबह दूध वाला आता है ना? हाँ, तो घंटी बजेगी तो हमारे कमरे में आके ले लेना चाबी। चाबी तो हम किसी को नहीं देंगे, समझी? और जा यहाँ से, चुड़ैल की तरह बैठ के हमारे सिर पे नाच मत। चल। अरे अरे भैया, आग लग गई क्या? ये मरी चुड़ैल सुनंदा कहाँ गई? इनके बाप के नौकर लगे हम, जो इनकी अम्मा के लिए दरवाजा खोलेंगे। अरे डाकिया बाबू। अम्मा जी, देवकी दाई के नाम का खत आया है, पता यहीं का है। हम तो किसी देवकी दाई को नहीं जानते। कहीं ये हमारे तारणहार का तो नहीं है? अरे शिव बेटा, ये किसी देव की दाई का खत आया है, देखना तो ये तुम्हारा तो नहीं है बेटा।
नहीं दादी, मैं किसी देव की दाई को नहीं जानता, किसी और का होगा। लो जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया अंदर, मैं जरा लेकर आता हूँ। हाँ बेटा ले आओ। ना भैया, ये हमारा खत नहीं है, गलती से आ गया होगा। सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये मैं साबित करके रहूंगी कि ये शिव ही मेरा मन है। दाई माँ को यहाँ का एड्रेस तक नहीं पता, तो वो लेटर कैसे भेज सकती है? कौन है जो दाई माँ के बारे में जानता है? कहीं उस चुड़ैल को पता तो नहीं लग गया कि मैं बनारस में हूं। ये मेरे लिए खतरे की घंटी है। अब तक तो वो सपने मुझे परेशान कर रहे थे, अब ये सब। इन सबके बीच में मुझे अनन्या को नहीं आने देना चाहिए, मुझे और भी सतर्क रहना होगा। इन सबके कारण मैं अनन्या की जान खतरे में नहीं डाल सकता बिल्कुल भी। अम्मा, हमारे ये अनन्या के लिए एक और रिश्ता लाए हैं। सोने से भी खरा है लड़का, देखोगी ना, देखती रह जाओगी। हाँ अम्मा, हमारी अनन्या वहां पे राज करेगी, राज, क्योंकि परिवार में तो कोई है ही नहीं। लड़के का नाम मन्नत है, दिल्ली में रहता है अपने दादी के साथ। ये खबर लेकर आए डोकरी कहाँ है? दिल्ली में। अगर ये दिल्ली में है तो मन भी दिल्ली में ही होगा। 5 साल का था जब माँ बाप गुजर गए, तब से दादी जी नहीं पाला है उसे। और तो और अम्मा, कुंडली वगैरह में विश्वास ही नहीं रखते हैं वो लोग। ये मन्नत नहीं, मेरा मन है। ओ चुड़ैल, जा जाके समझा अपनी लाडली को। जी अम्मा जी। ये क्या बोल रही हैं आप? अब जानते हैं ना कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। आप कहाँ दादी और बुआ की बातों में आ रही हो? खुदे आपको पता है कि हमें अभी अपना सपना पूरा करना है। पांडे एंड डॉटर्स मिष्ठान भंडार, अरे पूरी दुनिया में उसकी चेन खोलना चाहते हैं हम। मम्मी, पता है आपको, तो बाहर वाले भी हमारे हाथ की मिठाई की तारीफ करने लगे हैं। अरे एक आप हैं जो हमें डोली में मिठाई दे रही हैं। तुम्हारी बात समझ रहे हैं मनन्या, पर कौन सी शादी करनी है? अभी तो सिर्फ लड़का देखना है। हमारी बात मान लो अनन्या, वरना तुम्हारे पापा और दादी हमें छोड़ेंगे नहीं। और क्या पता, हो सकता है कि ये लड़का खुले विचारों का हो, तुम्हारे सपनों में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा साथ निभाए। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा कर लेते हैं। हम जानते थे हमारी अनन्या हमारी बात मानेगी। मेरा मन आ रहा है तुझसे मिलने, उसके लिए तू गुड़िया की तरह सजाऊंगी मैं तुझे। पता नहीं आज मम्मी को क्या हो गया है। लड़के वाले आ गए। अनन्या, हमारी बात ध्यान रखना, आज कोई शैतानी नहीं। Thank you.
अगर मैं उनके सामने ऐसे ही चली गई तो वो डोकरी देवकी मुझे पहचान लेगी और सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आइए बहन जी, आइए, आओ बेटा। बहन जी, ईमानदारी का पान खा के झूठ तो कहते नहीं है। ये है हमारा गरीब खाना और यहाँ आपका स्वागत है। आइए, आओ, अपना ही घर समझो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी, बैठी 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 प्लीज। अरे केतकी, बेटा अनन्या को बुला के लाओ। अभी लाते हैं दादी। आखिर मेरा मन मेरे पास आ ही गया, वो भी बिना मेहनत के। ये होता है किस्मत का खेल। देव की डोकरी नहीं है। यहाँ क्या बुक बनी खड़ी है? हाँ, चाय नाश्ते का इंतजाम तेरा बाप करेगा। चल चल जा, चाय नाश्ता लेके आ। हमारी स्वीट बहन, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर हमारी बारी, हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी ना। हम तो मनाएंगे कि लड़के वाले ना तुम्हें आज ही लेकर चले जाए। दूर से क्या देख रहे हो? आज जाके निहार लो। आज कुछ नहीं कहेगी, खिसिया नहीं मिली तुम्हें। क्यों, आज ऐसा क्या? मैडम को अच्छी इमेज जो बनानी है। लड़के वाले आए हैं देखने।